जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश मालदीव इस तरह से चीनी कर्ज में डूबा है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मालदीव को 3.1 अरब डॉलर चीनी लोन चुकाना है, जबकि उसकी कुल अर्थव्यवस्था 4.9 अरब डॉलर की है। कि अब तो चाइनीज हमारा बड़ा भाई है और चाइनीज आके हमारी चमड़ी निकलने से बचा देगा, हमारी जान बचा देगा। तो जैसे ही चाइनीज ने मना करा कि हम आपका डेट रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, मोहम्मद मुजू चमक गया। उसने बोला, यार जब मैं शी जिनपिंग से मिलने गया था, शी जिनपिंग ने तो मुझे वादा करा था कि नहीं करा था, शी जिनपिंग ने वादा कि डेट रिस्ट्रक्चर करेगा। कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, रिटर्न कैसे करेंगे, वापस कैसे करेंगे? जब आप इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, तो आप क्या समझते हैं कि जो चाइनीज मॉडल है ये इसी तरह का है कि कर्जे दें, ममालिक को अपने नीचे लगाएं और उनसे अपने काम करवाएं, या एक ये हेजमनी का पैटर्न है? हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में काफी ज्यादा हो रहा है, वो तो नो डाउट वो मालदीव को भी नहीं छोड़ेगा, मालदीव का जो एरिया वो भी वो चाइना कवर करेगा। तो मालदीव बड़ा डिपेंड कर रहा था कि यार चाइनीज कुछ तो करेंगे यार, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई हैं, एक जय तो दूसरा वीरू, ये सब चीजें उन्होंने सोची थी। अब चाइना ने मना कर दिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देयर इज अ क्लैश कि कौन किसके ऊपर कितना कंट्रोल करेगा। नेपाल में चाइना की बालादस्ती, चाइना रहेगा, इंडिया रहेगा, मालदीव हो गए, ये आस पास के जो रीजन है, यहाँ पे एक हेजेमनी की बात चल रही है। आज मैं एक स्टोरी देख रहा था, एशिया टाइम्स में आई थी, और उसमें ये कहा गया कि जो चाइना जो है वो कह रहा है कि हमारे जो कर्जे हैं वो उनको फॉरगिव कर दे। द मालदीव्स अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर नोन फॉर इट्स लग्जूरियस रिसॉर्ट्स इज फेसिंग अ पोटेंशियल डेट क्राइसिस, इज एट हाई रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस ड्यू टू हेवी रिलायंस ऑन लोन्स पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया और मालदीवियन मीडिया के अकॉर्डिंग लगातार चाइना मालदीवियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहा है लोन रीपेमेंट के लिए, डेट पे के लिए। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑलरेडी मालदीव चाइना का बहुत सारा लोन नहीं चुका पाया और उसके बदले में 36 आइलैंड को कब्जा कर लिया है चाइना ने। 36 आइलैंड में से किसी को 25 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 35 साल के लिए चाइना ने कब्जा कर लिया। भारत का भी लोन पेमेंट मालदीव ने नहीं किया, लेकिन भारत की पॉलिसी देखिए आप लोग कि हमने एक भी आइलैंड को मालदीव के अभी तक अपने अंडर कंट्रोल में नहीं लिया, चाइना ने 36 को कंट्रोल में ले लिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मालदीव की अर्थव्यवस्था है लगभग 40 बिलियन के आसपास है, जिसमें से 35 बिलियन का लोन तो चढ़ा हुआ है चाइना का करंटली। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, चाइना लगातार प्रेशराइज कर रहा है, कह रहा है हम लोन माफ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि IMF भी आपको सिग्नल दे रहा है कि आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप दोगे कहां से हमें पे? इसलिए जो भी है, एसेट्स बेचो चाहे जो करो, हमारे लोन पेमेंट हमें चाहिए समय पे, और अगर नहीं पेमेंट करोगे तो अभी 36 आइलैंड ले रखा है, कल को 36 आइलैंड और ले लेंगे। तो चाइना की सिंपल पॉलिसी है, लोन दो, लोन के पेमेंट नहीं हो पाएगा तो हम लैंड ले लेंगे। लेकिन भारत जब लोन देता है, नहीं दे पा रहे हो कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना, ये गलत पॉलिसी है भारत की। ऐसा मैंने बोला था कि मालदीव्स की वाट लगने वाली है, जबरदस्त बेइज्जती होने वाली, और वो अब चीज हो गई है मालदीव्स के साथ। खबर ये आई है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट की उन्होंने बात करी थी चाइनीज से, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि साहब हमने आपसे पैसा लिया है, अब हमें वो मादा नहीं है कि वो पैसे या उसकी EMI मान लीजिए, किस्त मान लीजिए, वो हम आपको वापस कर पाए क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो आप ये जो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन है इस लोन की, इस कर्ज की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो साहब ऐसे कुछ बदल दीजिए कि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो मोहम्मद मुइजू जाके जिस बीजिंग में सजदा करता था शी जिनपिंग के पैरों की ओर, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता था, आज वो मोहम्मद मुइजू अपने सूखे गले को लेकर दरबदर भटक रहा है। दोस्तों, ये देखिए खबर। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द चाइनीज एम्बेसी माले। दोस्तों, माले में, माले कैपिटल है मालदीव्स की, वहां पे एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर टू मालदीव्स वांग ली शिंग ने यह बोला है कि टेक्निकल टीम चाइना की और मालदीव्स की एक साथ बैठी हैं, टेक्निकल टीम्स, और टेक्निकल टीम्स के बैठने पे उन्होंने ये देखा कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन हमारी फिलहाल कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मालदीव्स के साथ, हमारा कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि हम उसका डेट जो है वो रिस्ट्रक्चर करें, हमारा ऐसा फिलहाल कोई इंटेंट नहीं है।
अच्छा, मालदीव्स बड़ा डिपेंड कर रहा था कि यार चाइनीज कुछ तो करेंगे, चाइनीज कुछ तो करेंगे, चाइनीज कुछ तो करेंगे, यार हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई हैं, एक जय तो दूसरा वीरू, ये सब चीजें उन्होंने सोची थी। अब चाइना ने मना कर दिया, ये काम मोहम्मद मुइजू को करना चाहिए था, इसने करा नहीं, इसने बोला आंदो आंदो, अब आंदो के चक्कर में उन्होंने मना कर दिया है। अब चाइना हैज अग्रीड टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू स्ट्रक्चर मालदीव्स डेट, टॉक्स आर शेड्यूल्ड टू बिगिन सून, ये बात कही थी 13 जनवरी को मोहम्मद मुइजू ने। जब मोहम्मद मुइजू पहुंचे बीजिंग, वहां पर नतमस्तक हुए, उन्होंने सजदा करा शी जिनपिंग के चरणों में, उसके पैर छुए, तो 13 जनवरी को उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी कि मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम, अब जो हमारी डेट है वो रिस्ट्रक्चर होने वाली है। तो बड़ी तगड़ी अनाउंसमेंट हुई थी, सब लोगों ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले मालदीव्स में। मालदीव्स में भंगड़ा नहीं करते, जो भी डांस वांस अपना लोकल करते हैं, उन्होंने करा अपना लोकल डांस, बड़े खुश हो गए, खाए पिए सो गए कि अब तो चाइनीज हमारा बड़ा भाई है और चाइनीज आके हमारी चमड़ी निकलने से बचा देगा, हमारी जान बचा देगा। तो जैसे ही चाइनीज ने मना करा कि हम आपका डेट रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, मोहम्मद मुइजू चमक गया। उसने बोला, यार जब मैं शी जिनपिंग से मिलने गया था, शी जिनपिंग ने तो मुझे वादा करा था, कि नहीं करा था शी जिनपिंग ने वादा कि डेट रिस्ट्रक्चर करेगा? तो चाइनीज एम्बेसडर ने बोला, बिल्कुल जनाब, वादा तो करा था। कह रहा, फिर वादे क्यों मुकर गया? कह रहा, आपने देखा होगा, जब शी जिनपिंग ने आपसे वादा करा था तो उसकी आंखें ऐसी थी, देखा आपने, वो बेसिकली आंख मार रहा था, वो सीरियस नहीं था, आप सीरियस ले गए उसकी बात को, ही हैड नो इंटेंशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग योर डेट। आ गया मजा? अब बात यह है, ये अमरीकी भी कहते हैं कि कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, रिटर्न कैसे करेंगे, वापस कैसे करेंगे? जब आप इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आप क्या समझते हैं, ये जो चाइनीज मॉडल है ये इसी तरह का है कि कर्जे दें, ममालिक को अपने नीचे लगाएं और उनसे अपने काम करवाएं, या एक ये हेजमनी का पैटर्न है? हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन, डॉक्टर साहब? अच्छा, अब ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये जो डेट को एज ए पोलिटिकल वेपन के तौर पर यूज करना, और डेफिनेटली पिछले 3-4 साल से अमेरिका इस बात पे बड़ा इम्फेसाइज कर रहा है कि पाकिस्तान शुड नॉट गेट इनटू दिस डेट ट्रैप, जो कि बाद में पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, देखिए दोस्तों, यही बात IMF ने भी समझाई थी, पर जब आपकी कोई लगातार इंसान जेब गरम कर रहा है, चाहे आपके देश को नुकसान हो, लेकिन आपकी अगर जेब गरम हो रही है तो आपको लगेगा, यार ये तो मेरा दोस्त है, मुझे तो नोट देता है, और यही गलती कर दी मोहम्मद मुइजू ने। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अदर ऑप्शंस आर बीइंग कंसिडर्ड, जो चाइनीज एम्बेसडर है वहां पे, और मेनी लोन्स वर टेकन फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट ड्यूरिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन्स गवर्नमेंट टू कैरी आउट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रिपेमेंट ऑफ दीज लोन्स नॉट बीइंग कंप्लीटेड, एंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ स्टेट विजिट टू चाइना इन जनवरी, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू सेड ही हैज रिसीव्ड अश्योरेंसेस। अच्छा, ये गए वहां पे, तो पहले वालों ने भी लोन लिया दबा के जो मोहम्मद मुइजू के पहले थे, लेकिन मोहम्मद मुइजू ने बोला कि लोन आने दो, ये रोक सकता था, ये कह सकता था कि रुक जाओ एक मिनट, हम लोग देख लें, लेट अस सी, हम लोग देख लेते हैं कि मैटर है क्या यार। तो दोस्तों, यही चाइना की पहचान, चाइना की सिंपल पॉलिसी होती है। आधुनिक वर्ल्ड में ये जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सारी संस्थान अलाउ करती हैं कि आप अपने एसेट्स को लोन पेमेंट, डेट पेमेंट के बदले में एक देश को दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप डेट पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो एयरपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, वो उस देश का हो जाएगा जिसका आप डेट पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, उसका 20 मिलियन का लोन है, तो अगर उस एयरपोर्ट की कीमत 20-30 मिलियन है, तो वो एक तरीके से लोन के बदले में एयरपोर्ट कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मालदीव ये लोन पेमेंट नहीं कर पाता है, तो मालदीव कहेगा, भाई इतना US डॉलर है आपका, ये लो, इसके बदले में हम ये आपको आइलैंड दे देते हैं, या चाइना खुद कहेगा कि हम इतने आइलैंड ले देंगे। और चाइना की सिंपली यही पॉलिसी रही है नेपाल में, इसके बाद बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव में, पाकिस्तान का ग्वादर खरीद लिया इन्होंने, तो हर जगह चाइना इसी स्ट्रेटेजी के साथ देता है। भारत भी इसी स्ट्रेटेजी को अपना सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भारत ने भी हैवी लोन दे रखा है मालदीव को। अभी लास्ट वीक ही जो है, हमारा लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे विदेश मंत्री साहब ने लोन माफ कर दिया। अगर चाइना को 36 आइलैंड दे सकते हो, तो हम क्या 2-4 आइलैंड नहीं खरीद सकते? लेकिन पता नहीं क्या पॉलिसी है भारत गवर्नमेंट, समझ ही नहीं आती। ठीक है, इसी तरीके से बांग्लादेश को फंसाया हुआ है, बांग्लादेश में ये अपना क्या नाम है, बंदरगाह ले रहा है। इसी तरीके से श्रीलंका में हम्बनटोटा, आप लोगों को पता ही है।
ठीक है, तो भारत सरकार को भी भाई ये पॉलिसी सीरियसली लेनी चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो लोन माफ कर दे, या तो भाई बहुत अमीर कंट्री हो यूएसए जैसा कि चलो कोई बात नहीं अगले महीने लोन पेमेंट कर दे। ठीक है, भारत ने भी मालदीव को अच्छा खासा लोन दे रखा है, चाइना के बराबर तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक। अगर चाइना ने 36 बिलियन का दे रखा है तो भारत ने भी 20-25 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दे रखा है मालदीव को, और अगर भारत चाहे तो भारत भी 20-30 इनके आइलैंड ले सकता है। लेकिन हमारी पॉलिसीज ही वीक है, हम लेंगे तो हमारे ही देश में बंदे कहेंगे अरे ये तो कब्जा हो रहा है मालदीव पे, हमारे ही देश में भारत के ही लोग कहेंगे भारत मालदीव पे कब्जा करता है, दुख होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।